है, सब लोग एक सूत्र में बंधे, एक बंधन में रहे है, अपने घर का बेटा चुनना है। बड़े नेता कौन होते हैं? रहा है, गाने का काम करते हैं, तो उनका पीड़ा सुनने का काम करते हैं। बिहार में ही उनको काम दिया जाए, ये तानाशाह रवैया सरकार जो चला रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज, मैं हूं विशाल। बात चुनाव की, और चुनाव में हम आज बात करेंगे बड़हरा विधानसभा क्षेत्र की। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र जो कि चित्तौड़गढ़ माना जाता है, वहां से अभी राजद के विधायक जीते हुए हैं सरोज यादव। ऐसे में भाजपा के कई नेता भी मैदान में हैं, जदयू के नेता भी मैदान में हैं, लेकिन एक नया चेहरा इन सबों के बीच, जनता के बीच आया है। वह भी जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, संभावित प्रत्याशी रघुपति यादव, जो अपनी ईमानदार छवि और समाज सेवा के कारण जाने जाते हैं। जिस तरह बड़हरा क्षेत्र में इन्होंने लोगों की सेवा की है, जिस तरह कोरोना काल में लोगों की मदद की, एक नया चेहरा उभरते हुए लोगों के सामने आया है, लोगों की जुबान पर एक नया नाम है रघुपति यादव। हम आज उनसे बात करते हैं चुनाव के मुद्दों को लेकर। विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सभी पार्टियां दमखम के साथ उतरी हुई हैं मैदान में, और राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है, और उन सब के बीच रघुपति यादव जी से बात करते हैं। बताइए, आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो सबसे आपके चैनल को और देखने और सुनने वालों को भी धन्यवाद, बधाई देता हूँ। और जनता से मैं यही अपील और आग्रह करता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी समाज में, इस चीज़ को समझें कि मेरा समाज कहाँ जा रहा है, मेरा ज़िला का स्थिति क्या है, मेरे राज्य का स्थिति क्या है, मेरे देश का स्थिति क्या है। सामाजिक एक दूसरे से दूरी बनी हुई है, जो आपसी सौहार्द प्रेम एकता ख़त्म हो रहा है, तो इसको न्यू निर्माण करना है। सब लोग एक सूत्र में बंधे, एक बंधन में रहे, एक साथ रहे, मिल के हंसी खुशी जीवन निर्वाहन करें और देश के प्रति भी समर्पित रहे। जी, तो यही कहना चाहते हैं, सारे लोगों से अपील आग्रह होगा मेरा कि आप लोग एक अच्छे बेटा को चुनिए, नेता को नहीं। आपको नेता चुनते हैं, यही गलती होती है। आप लोगों से आग्रह कर कि पब्लिक जो नेता चुनने लगती है ना, यही सबसे आज बर्बादी का जड़ है, और सिस्टम जो है आज तक बिगड़ा हुआ है वो नेता की वजह से। तो आपको, हमको, सबको नेता नहीं चुनना है, अपने घर का बेटा चुनना है। जिस तरह रघुपति जी बड़हरा विधानसभा क्षेत्र से कई बड़े नेता, दिग्गज नेता मैदान में हैं, उन सब धुरंधरों के बीच आप कैसे अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे, या कैसे जनता के प्रति आप? सर, हमको ये पता नहीं चलता है कि बड़े होते हैं कौन, बड़े नेता कौन होते हैं। बड़ा तो क्या होता है, खजूर का भी पेड़ होता है, तरकुल का भी पेड़ होता है, तो उसका भी क्या अलग अलग जगह है सबका। तो कोई बड़ा नहीं होता है हमारे देखने से, जो समाज को लेकर चले, समाज हित में काम करे, जो सबका विकास के बारे में सोचे, जो गरीब गुरबा के बारे में सोचे, छात्र नौजवान किसान के बारे में सोचे, वही अच्छा होता है और वही बड़ा नेता होता है, जो अपने आप को समर्पित करके जनता को अपने दुख सहते हुए किसी को खुशी ला दे, चेहरा मुस्कुराता रहे सबका, जो इसमें विश्वास करता है वही हमारे देखने से नेता होता है। बड़हरा विधानसभा चुनाव में इस बार क्या एजेंडा होगा, क्या किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी कठिनाई है, मुद्दा है, उसको मैं लेकर आ रहा हूँ। निश्चित तौर पर लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है, निश्चित मैं ये बता दूँ। मैं अपने क्षेत्र में, कभी ज़िला में, हमेशा बेटा बनकर, भाई बनकर, भतीजा बनकर सेवा करने का काम किया हूँ, अपना परिवार समझकर अपने परिवार के लोगों को सेवा कर रहा हूँ, मैं नेता बनके सेवा। आप क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, क्या कमियाँ पाई आपने क्षेत्र में? जी, हम क्षेत्र में लगातार जा रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस हो रहा है, सबको गले लगाने का काम करते हैं, नज़दीक जाते हैं, उनकी आपबीती सुनने का काम, उनका पीड़ा सुनने का काम करते हैं। तो ये चीज़ हम देखते हैं, फील होता है कि बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में PHC है, जो सब के सब बंद पड़ा हुआ है, और बाढ़ क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ पर आज तक अस्थाई निदान क्यों नहीं निकला? मैं ये सवाल करता हूँ जनता से, शासन से, प्रशासन से, जनप्रतिनिधि से, सूबे के मुखिया से, कि आज तक बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में
बाढ़ प्रभावित ऐसे कई घर आते हैं, कई ऐसे कम से कम सैकड़ों घर आते हैं चपेट में कि जो हर साल ढह जाते हैं, माल मवेशी दह जाते हैं, आदमी का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन आज तक अस्थाई निदान नहीं निकलता है। उसका बाढ़ आने के बाद क्षतिपूर्ति जो होता है उसका भरपाई नहीं किया जाता है और अरबों खरबों खर्चा होता है, लेकिन नेता और पदाधिकारी इसको दुधारू गाय समझ लेते हैं हर साल, इसीलिए इस पर काम नहीं किया जा रहा है हमारे देखने से। इसको मिलकर पॉकेट भरने का काम करते हैं, आम आदमी के बीच की ज़िंदगी नासूर बन जाती है, जीने पर लोग मजबूर हो जाते हैं, तरह तरह विभिन्न समस्याओं से जूझते रहते हैं, लेकिन इस पर किसी भी सरकार और नेता का ध्यान नहीं रहता है। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आप क्या मानते हैं कि आपकी लड़ाई बड़हरा विधानसभा क्षेत्र से किसके साथ होगी, कौन सी पार्टी के साथ? देखिए, हमारी लड़ाई किसी से नहीं, ये लड़ाई इंसानियत की, मानवता की, और जो आम गुरबा जनता, किसान, छात्र, नौजवान की लड़ाई होगी, ये हमारी लड़ाई नहीं होगी। जो लोग आज विकास से वंचित हैं, जो लोग आज समाज से वंचित हैं, आज जो लोग शिक्षा से वंचित हैं, जो लोग स्वास्थ्य से वंचित हैं, जो लोग परेशान हैं, वो लोग इस चीज़ को समझेंगे कि लड़ाई किससे होगी। और निश्चित तौर पर मैं बता देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई नहीं रह गई है। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र एक नया इतिहास लिखने का काम जरूर करेगी। अभी कुछ दिनों पहले बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में आपने एक मिलन समारोह का आयोजन किया था जन अधिकार पार्टी का, उसमें आप सभी पप्पू यादव समेत 7 लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज हुई है, इस मामले में क्या कहेंगे? जी, ये तो पहले तो मैं प्राथमिकी दर्ज हुई है इसके लिए लॉकडाउन के उल्लंघन में मैं शासन और प्रशासन के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा आपने किया। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों सिर्फ जन अधिकार पार्टी को ही टारगेट किया जा रहा है, रघुपति यादव को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? और भी पार्टियां हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हो रही हैं यहाँ पर। अभी विगत कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के आते हैं और कार्यक्रम अपना करके, बैठक करके हजारों की संख्या में चले जाते हैं, लेकिन उन पर FIR नहीं किया जाता है। स्थानीय विधायक बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के, उनके दरवाजे पर कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाता है हजारों की संख्या में, लेकिन उन पर FIR दर्ज नहीं किया जाता है। बीजेपी के लोग सरैया में कार्यक्रम करते हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन, लेकिन उन पर FIR दर्ज नहीं किया जाता है। और जदयू के लोग कायम नगर में जाके कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं, लेकिन उन पर FIR दर्ज नहीं किया जाता है। लेकिन जन अधिकार पार्टी को क्यों टारगेट किया जाता है? तो इससे साफ जाहिर है कि जन अधिकार पार्टी का जो लोकप्रियता बढ़ रही है हमारी, उससे सारे नेताओं का मन में कहीं ना कहीं गिराने की इच्छा शक्ति जाहिर होती है। कहीं विरोधी डर तो नहीं गए हैं आपकी लोकप्रियता देखकर? देखिए, ये तो निश्चित तौर पर बता देता हूँ कि जो परिस्थिति बनी हुई है पूरे बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में, जन अधिकार पार्टी के लिए लोग आगे आ रहे हैं, जिस प्रकार समर्थन और प्यार दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सारी पार्टियां सहम गई है, डर गई है, इससे घबरा कर उनके जो भी नेता पदाधिकारी शासन के लोग हैं किसी तरह से गिराना चाह रहे हैं कि ये आगे ना आए, इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको साफ तौर पर बता दूं ये भी कि मैं किसी केस और जेल जाने से और किसी नेता की बातों से कभी डरने वाला हूँ नहीं। मैं निश्चित तौर पर इंसान हूँ और इंसान के साथ काम आने के लिए मैं हमेशा 24 घंटा समर्पित रहूँगा, यही मेरा कामना है। इस तरह से इनकी लोकप्रियता बढ़ी हुई है। अभी पप्पू यादव कुछ दिन पहले आए हुए थे मंच से, उन्होंने 3 मुद्दे अहम उठाए थे, शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में तो इन्होंने बता दिया, शिक्षा और बेरोजगारी के बारे में भी हम बात करते हैं कि इनका क्या कहना है और बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के युवाओं और जनता के लिए यह क्या करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी एक अहम मुद्दा इस बार देश में बना हुआ है। इस बिहार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी अहम मुद्दा माना जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, ये बहुत बढ़िया सवाल है, बेरोज़गारी। तो हमारी ये सरकार से, आम लोगों से अपील है, आग्रह है कि रोज़गार नहीं तो सरकार नहीं। आप जिस प्रदेश में जी रहे हैं, आप किस तरीक़ा से जी रहे हैं आपको भी मालूम है, सारी जनता को भी ये परेशानी मालूम है।
लोग बिहार से जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए, वहाँ पर गाली का शिकार होते हैं। बिहारी एक गाली शब्द बन के रह गया है, निश्चित तौर पर बता देता हूँ। अपमानित होने का काम होता है, बाहर में जो भी लोग काम करने के लिए यहाँ से जाते हैं वहाँ गाली सुनने का काम करते हैं, और किसी तरह गाली सुनकर अपने बाल बच्चों को भविष्य और पेट भरने का काम करते हैं। अगर हमारी सरकार आती है, निश्चित तौर पर यहाँ पर जन अधिकार पार्टी की सरकार आती हो, तो बिहार में उद्योग धंधा फैक्ट्रियाँ लगेगी, और जो प्रवासी मजदूर होंगे निश्चित तौर पर बाहर नहीं जाने के उनको ज़रूरत पड़ेगा, यहीं बिहार में ही उनको काम दिया जाएगा। काम बहुत सारे हैं, खेती से लेकर, सिंचाई से लेकर, मक्का का खेत हो, दूध का हो, मछली पालन हो, ऐसे बहुत सारे रोज़गार है जो कि इसको करने की जरूरत शक्तिपूर्वक लागू की जाए धरातल पर, तो यहाँ के लोग निश्चित तौर पर यहाँ काम करेंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे तो खुशी होगी। और यहाँ की जो युवा छात्र युवा पढ़कर ऐसे इस सरकार में, आज वर्तमान की जो सरकार है इससे लोग सब लोग त्रस्त हो गए हैं, नाराज हैं, सब लोग उब गए हैं। ये तानाशाह रवैया सरकार जो चला रही है, इसको गिराने के लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। लोग चाह रहे हैं कि प्रदेश में बदलाव हो, जिस प्रकार दिल्ली में बदलाव हुआ, सेम वही कंडीशन बिहार में पप्पू यादव को साथ लेकर चलने के लिए, बदलाव करने के लिए लोग तैयार हैं कि पप्पू यादव ही सीएम बने और काम करें, तभी रोज़गार मिल सकता है, शिक्षा में और स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। तो आपने रघुपति यादव की बातों को सुना कि किस तरह से अगर इनकी सरकार आती है तो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोज़गार सभी में ये अपना जनता के बीच देंगे, बेहतर शिक्षा देंगे, रोज़गार भी देंगे और स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहाल करेंगे। तो आपने जन अधिकार पार्टी के बड़हरा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी रघुपति यादव की बातों को सुना कि किस तरह उन्होंने जनता के बीच गए और वह जनता का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है, किस तरह उन्होंने बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के जो अहम मुद्दे हैं उनको भी हमारे चैनल में उठाया, और उन्होंने बताया कि किस तरह वह बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में विकास करेंगे, जनता का विकास करेंगे। और ऐसे ही रघुपति यादव जो कि एक सच्चे और ईमानदार छवि के नेता माने जाते हैं, अभी बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में काफी लोकप्रियता भी इनकी बढ़ी हुई है। ऐसे ही आप दूसरे भी राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 4th Pillar News चैनल। कैमरामैन कुमार गौरव के साथ मैं विशाल।